विशाल ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको ब्याज निकालने का तरीका बताया था, उसकी दर भी निकालने का तरीका बता चुका हूँ। इसके साथ ही मैंने समय निकालने का तरीका भी आपको बता दिया है। लेकिन आज का जो हमारा क्वेश्चन है, ये थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन है और इसमें हमें किसी भी फॉर्मूले या फिर किसी भी सूत्र को लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन तो ये बहुत ज्यादा लंबा है, लेकिन इसका आंसर छोटा सा है और बहुत ही आसान तरीके से ये क्वेश्चन निकल जाएगा। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे कभी भी पूछ लिया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ और इसको आपको सोल्व करके दिखाऊंगा सिर्फ और सिर्फ एक मिनट के अंदर अंदर। सबसे पहले दोस्तों, हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने धनराशि 6% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दी। यदि ब्याज की दर 12% होती है तो 60 रुपए अधिक ब्याज मिलता है, तो उस व्यक्ति द्वारा कुल कितना धनराशि उधार दी गई ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन आप एक बार दोबारा से समझ लीजिए, क्वेश्चन थोड़ा लंबा लग रहा है लेकिन इसका आंसर सिंपल है। चलिए अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक शेयर जरूर करें, क्योंकि आप लाइक नहीं करते हैं और अगर आप लाइक नहीं करते हैं तो हमें मोटिवेशन नहीं मिलता है, तो इसीलिए वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए देखिए, सबसे पहले तो हमें दो चीजें दे रखी है, ये देखिए 6% और 12%। तो सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे प्रथम दर। तो हमारी प्रथम दर कितनी है दोस्तों, प्रथम दर बराबर कितनी है 6%। इसके बाद हमारी ब्याज की द्वितीय दर कितनी है 12%। तो हम यहाँ पर लिखेंगे द्वितीय दर बराबर 12%। अब इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे ध्यान से समझिए दोस्तों। तो हमारे पास प्रथम दर भी है और द्वितीय दर भी है। अब दोस्तों क्या करना है, हमें लिखना है 12% और हमें माइनस करना है इसमें से 6%। तो जैसे कि हम 12 में से अगर 6% को माइनस करेंगे कितना आएगा, हमारा आएगा 6%। जैसे कि क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, अगर हम 6% ज्यादा की ब्याज पर देते तो हमें 60 रुपए का फायदा होता। तो यहाँ पर हमने 6 को तो माइनस कर दिया है, तो 6% बराबर 60 रुपए का हमें फायदा होता। ठीक है, अब यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमें इस संख्या को काटना है। तो हम क्या करेंगे, 6 × 6 ये एक बार कट चुका है और ये प्रतिशत में कटा है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम 60 को भी काटेंगे। तो 60 कितनी बार कटेगा, 10 बार कटेगा, तो यहाँ पर हम 10 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि हमने इसको काटा है, तो ये देखिए हमारा 1% बराबर कितना हुआ है 10। तो हमारा 100% बराबर कितना होगा, तो हमारा 100% बराबर होगा 1000। कितना होगा 1000, 100% बराबर। तो ये हमारा आंसर निकल गया है, ये देखिए 1000 रुपये। तो हमारा ये क्वेश्चन तो सोल्व हो चुका है, तो हमारा जो आंसर आया है वो आया है 1000 रुपये। तो हमारा जो क्वेश्चन था क्या था, एक व्यक्ति ने धनराशि 6% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दी, यदि ब्याज की दर 12% होती तो 60 रुपये अधिक ब्याज मिलता, तो उस व्यक्ति द्वारा जो हमारी धनराशि है वो 1000 रुपये। तो ये हमारा आंसर निकल के आ चुका है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने आपको बहुत ही सरल तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाया है। अगर आपको इसी तरीके के क्वेश्चन कभी भी पूछ लिए जाए तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगा। अगर आपके भी दिमाग में कोई भी गणित से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका सॉल्यूशन आपको जल्द से जल्द दे दूंगा। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, मैसेज कर सकते हैं अगर आपका कोई सवाल हो। और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए आप विशाल ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।